हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? सब रेडी हो ना बुक नोटबुक सब लेके? तो बच्चों, हमने चैप्टर 3 में पार्ट 4 तक हमने पढ़ा, अब पार्ट 5। तो पार्ट 5 इसमें दिया गया है कि चित्र देखकर हमें मात्राएं लिखनी है। तो आगे हमने 3 मात्राएं देखी थी, जैसे आम, मछली और रोटी। तो इसमें मैंने चित्र नहीं दूरे पर मात्राएं हमने लिखनी है। तो आप बुक निकालिए और इसमें देख के ये वाला पेज, पेज नंबर 26 ये वाला पेज निकालिए और चित्र देखिए और हमें मात्राएं लगानी। तो पहला है, क्या है? मुर्गा। क्या है? मुर्गा। पर हमने क्या लिखा है? मरगा लिखा है। क्या लिखा है? मरगा। तो हमें की मात्रा लगानी है, बड़ी की मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा? मुर्गा। क्या बनेगा? मुर्गा। वैसे ही यहाँ पे दूसरे नंबर में क्या चित्र है? ढोल है। क्या है? ढोल। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? डल। पर हमें मात्रा लगाएंगे तो शब्द सुंदर दिखेगा। तो क्या लिखना है? आ की मात्रा। क्या लिखना है? ओ की मात्रा। तो ल, तो हमने क्या लिखा? यहाँ ओ की मात्रा लिखी, तो ल हो गए ना, ओ की मात्रा। वैसे ही चू ही या, तो चू तो बराबर है, यहाँ कौन सी मात्रा आएगी? ई की मात्रा आएगी, ई होगा ना, ई। तो ई या, तो छोटी ई की मात्रा लगे की, तो बनेगा टू ही या। फिर आगे देखेंगे बाल, तो बाल कोई शब्द बनता है? बालू। क्या शब्द आएगा चित्र में? कौन है? बालू है। आप देख रहे होंगे चित्र में कि बालू है, 26 पेज नंबर। तो यहाँ क्या आएगा? बड़ी ऊ की मात्रा, बालू। क्या आएगा? बालू, ऐसे शब्द बनेगा। फिर आगे देखेंगे कि क्या है? गोभी। क्या है? गोभी। पर हमने लिखा है कभी, तो इसमें ओ की मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की। तो गो गो बी, तो हम यहाँ ओ की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे? ओ की। तो सुंदर शब्द बनेगा गो बी। उसके बाद है, क्या है? केला। क्या है? के ला, ऐसा शब्द है। तो ल के पीछे आ की मात्रा तो है नहीं, तो हमें वो लगानी है। तो क्या बनेगा? के ला। क्या शब्द बनेगा? के ला। ऐसे ही हमने मात्राएं लगाई तब ये शब्द सुंदर दिखता है। जैसे इंसान गहने पहनता है तो कितना सुंदर दिखता है, बिना गहने के कैसा लगता है। तो वैसे ही इनको भी गहनों की जरूरत होती है, मात्रा लगती है तभी सुंदर बनता है। वैसे तो पूरा शब्द प्रॉपर बनता है। तो मुर्गा, मुर्गा। फिर टोल, फिर चूहिया, फिर बालू, फिर गोभी और फिर केला, ये शब्द हमने बनाए। अब आगे देखेंगे कि टोकरी में से सही व्यंजन चुन कर नाम पूरा कीजिए। अब यहाँ हमने ये नाम लिखे हैं, पर हमें उसमें कुछ व्यंजनों की जरूरत है। तो इस टोकरी में से वो सही व्यंजन हमें ढूंढने हैं और इसमें लिखने हैं। तो इसमें पहले में क्या आएगा? तो टर लिखा है, तो क्या आएगा? म टर। तो हमें इसमें म है ना, लिखकर लिखना है। तो बन गया मटर। क्या बना? मटर। उसके बाद हम देखेंगे कीता, तो कीता ब, तो यहाँ ब की जरूरत है, तो टोकरी में से ब निकालिए और यहाँ लिखिए, तो क्या बनेगा? कीता ब। क्या बनेगा? कीता ब। वैसे ही मतलब जो व्यंजन इसमें कम पड़ रहा है वो व्यंजन हमें ढूंढ कर इसमें लिखना है। फिर क्या है? पी प। क्या आएगा पीछे? कौन सा शब्द बनेगा? ल।
तो इसमें से हमें ये ल है तो ल ढूंढ के इसमें लिखना है ई पर ल। तो मटर, किताब, पीपल, तीन शब्द तो बन गए। अब इसमें व्यंजन हमें जोड़ना है तो क्या लिखेंगे इसमें, के क्या है थंडा, तो यहाँ क्या आएगा थंडा। फिर इसमें क्या आएगा ट मा फिर यहाँ र, तो क्या आएगा ट मा ट र, तो ये पूरा शब्द बन गया है टमाटर। फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा तर लिखा है, तो हमें इसमें व्यंजन ढूंढ के लिखना है कौन सा व्यंजन होगा। तरी के आगे क्या व्यंजन आएगा, तो शब्द बनेगा छ, तो छ तरी, तो छ है यहाँ पे टोकरी में वो छ हमें यहाँ लिखना है तो बन जाएगा छ छ तरी, क्या बनेगा छतरी। तो वैसे ही हमने शब्द बनाए इसमें से व्यंजन ढूंढकर, जो व्यंजन की कमी थी वो पूरी की और शब्द सुंदर तरीके से बनाया, जैसे मटर, किताब, पीपल, ठंडा, टमाटर, छतरी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हमारा चैप्टर भी यहाँ अब खत्म होता है। आगे है चैप्टर 4 जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू।